जिला कांगड़ा से चलने वाली सभी वोल्वो बसों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। वहीं वोल्वो बसों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसमें परिवहन विभाग निजी वोल्वो ऑपरेटर को सहयोग करेगा। ये बात आरटीओ फ्लाइट सुकाइट परिवहन विभाग डॉक्टर संजय दीवान ने वोल्वो ऑपरेटर के साथ बैठक के उपरांत कही। जिला कांगड़ा से चलने वाली सभी वोल्वो बसों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। वहीं वोल्वो बसों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसमें परिवहन विभाग निजी वोल्वो ऑपरेटर्स को सहयोग करेगा। ये बात आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड परिवहन विभाग डॉक्टर संजय दीवान ने वोल्वो ऑपरेटर्स के साथ बैठक के उपरांत कही। सभी वोल्वो को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। वोल्वो बसों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था हेतु कहा गया है। परिवहन विभाग भी इसका पूरा सहयोग करेगा। विभाग की वोल्वो बसों पर पूरी नजर रहेगी तथा वोल्वो ऑपरेटर्स को डेली रिपोर्ट करने को कहा गया है। डॉक्टर संजय दीवान ने कहा कि वोल्वो बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक की है, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव बारे बताया गया। वोल्वो में जो सैलानी आ रहे हैं उनके सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरने और बसों में सफाई व्यवस्था रखने की जानकारी दी गई। यदि वोल्वो बस में कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उस पर सूचित करें। निजी वोल्वो बसों में कंबल न देने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। विदेशी वोल्वो बस में आता है और इसकी सूचना विभाग को देनी होगी। यदि कोई वोल्वो ऑपरेटर यात्री का फॉर्म नहीं भरता है तो प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और रूट परमिट भी रद्द हो सकता है। एक्चुअली आज हमने वोल्वो ऑपरेटर के साथ जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है, उसमें कोरोना वायरस से बचने की क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और विशेष तौर पर जो है बाहर के जो सैलानी फॉरनर जो आ रहे हैं इन बसों द्वारा धर्मशाला रीजन की तरफ जिला कांगड़ा में, उन द्वारा जो है सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरने के बारे में बताया गया और साथ में जो है वोल्वो बसों को की साफ सफाई के बारे में उनको बताया गया। और अगर कोई संभावित कोरोना वायरस का कोई इन्फेक्टेड मरीज उनको लगता है तो तुरंत हेल्प जो हेल्पलाइन के नंबर दिए गए हैं उसमें संपर्क करने के लिए बोला। अभी तो फिलहाल मैंने निर्देश दिए परिवहन विभाग की तरफ से कि अभी कंबल वगैरह नहीं दिए जाएंगे और जो पैसेंजर है वो अपने लेवल पे इसका अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। और जहाँ तक साफ सफाई की बात है, उसमें बाजार में जो है अलग अलग टाइप के डिसइंफेक्टेंट आजकल आ रहे हैं, तो उन द्वारा जो है समय समय पर जो है सभी वोल्वो बसेस को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। और हैंड सैनिटाइजर के प्रावधान के लिए मैंने बोला है, मास्क के लिए मैंने बोला है, और परिवहन विभाग जो है इनकी पूरी पूरी मदद करेगा, इनको उपलब्ध भी कराएगा सारा सामान और साथ में अपने लेवल पर भी ये करेंगे। हाँ, हमारे तौर पर पूरी तैयारी है और हम पहले से ही पूरी नज़र बनाए के रखे हुए हैं और आज के बाद जो है हम और भी सतर्क हो जाएंगे। और इनको हमने निर्देश दिया है कि ये डेली की डेली रिपोर्ट हमें करेंगे और विशेष तौर पर अगर कोई बाहर का कोई फॉरन का कोई टूरिस्ट आता है इनकी बस द्वारा और उसमें संभावित इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो वो हमें रिपोर्ट करेंगे डेली की डेली, तो नियमों के द्वारा जो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो इसकी संभावना कोई भी नहीं है, जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रावधान है उनका परमिट और जो उनका दूसरे जो है वो रद्द हो सकता है, वो कार्रवाई तो उसमें नियमानुसार हो सकती है।